जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 64वीं पुण्यतिथि है, इस पर आपका क्या कहना है? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 64वां महाप्रयाण दिन यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जिन्हें पूरा विश्व जानता है, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके परिवार विद्वान इस विश्व में जब गिनती की गई थी लंदन में उनके 200 छात्रों में से जब छुट्टी किया गया था 200 में से 6 विद्वान शामिल हुए, उसमें प्रथम नंबर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है। इसी तरह ऊपर ये जो भारत देश है भगत और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 6 दिसंबर के रात्रि में 1956 को दिल्ली के उनके राजगृह में वहाँ का वहाँ पर निर्माण हुआ था। उनका अंतिम जो ग्रंथ है बुद्ध और मधम उनको उन्होंने रात देर रात तक उसको पूरा किया था और जब सोए तो चीर गंगा में हमेशा के लिए सो गए। उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई के चैत्यभूमि लाया गया। उस समय उनके जो अंतिम उत्सव यात्रा में शामिल होने की जो संख्या है उस समय कम से कम 5 से 7 लाख लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। वो एक ऐतिहासिक घटना रही है और इतने लोग होने के बावजूद भी जब देखते हैं कि उनके इतने सारे लोग उनके उपासक अनुयायी होने के बाद भी उनका जो कारवा जो आगे बढ़ नहीं पाया उसको रुका है। शायद ही यदि उनके उपासक ने उनके कारवा जो उनके जो भक्त बने हैं इस कारण उनका कारवा यहाँ पर रुका पड़ा है। यदि उपासक होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कारवा बहुत आगे बढ़ा होता, उनके मार्ग बताए मार्गों पर चलकर इस देश की इस समाज की उन्नति निश्चित तौर पर जायज होती। लेकिन आज उनका संविधान जिस तरह देश में तोड़ मोड़ कर उसको खड़े रखकर जो कार्य किया जा रहा है देश की उन्नति में साझेदार हो रहा है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा इस देश को अमूल्य खातिर दिया है, निश्चित तौर पर उसका पालन पूर्ण तरह से न होने के कारण उनके अनुयायी और इस तरह देश बहुत पिछड़ते हुए जा रहा है। मैं सभी लोगों से आज के इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर और उनके जो विचार है उसको आगे लाकर इस देश में क्रांति करना है और संविधान को बचाना है। आज मैं उनको 6 दिसंबर 2020 को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।